दोस्तों यहाँ पे जो 15 फ्लोर का दो बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ, 15 फ्लोर है यहाँ पे सूरत के अंदर पाल आरटीओ के सामने ग्रीन पंप्स करके साइड है, इसमें प्लम्बिंग और वाटर पंपिंग कैसे कर रहा हूँ आप लोग देखिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आई होप के फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बिल्डिंगों में काम कैसे करना है और कौन सा पाइप का इस्तेमाल करना है, कौन सा पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, किस तरीके से काम करना चाहिए वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आ जाइए। पहले तो जैसे ही फ्लैट में एंट्री करो, ये हॉल है, ये सामने है किचन। किचन का जो देख सकते हो आउटलेट जो है वो पीवीसी पाइप में डाला हूँ और अंदर मैं साइलेंट पाइप का इस्तेमाल किया हूँ, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चौकड़ी है जो बर्तन थाली को नीचे रख के धोने वाले है, वॉशिंग मशीन होने वाला है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन होने वाला है और यहाँ पे बर्तन थाली को भी धो सकते हैं। यहाँ का बाथरूम में, यहाँ का चौकड़ी या बाथरूम में पानी इस्तेमाल होता है तो नीचे आवाज नहीं जाएगा, पानी का एक नॉइज होता है, एक आवाज होता है। जैसे ही पानी टॉयलेट में प्रेस करो, फ्लैश को ओपन कर दो तो नीचे एक आवाज, पानी का आवाज आता है तो नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर पानी इस्तेमाल करता हूँ मैं तो ये साइलेंट पाइप की वजह से नीचे पानी का आवाज नहीं जाएगा। ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पाइप है ये साइलेंट पाइप है, यहाँ से सीलिंग बनने वाला है, मतलब कि पीओपी का सीलिंग जो है इतना कवर हो जाएगा पूरा। और ऊपर कोई भी टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे तो नीचे आवाज नहीं आएगा। ये किचन का पाइप है और ये लीकेज पाइप है। लीकेज पाइप मतलब कि जैसे वाटर प्रूफिंग हो जाएगा तो पूरा का पूरा स्लोप यहाँ पे रहेगा, मतलब कि टाइल के नीचे कभी भी पानी जाता होगा तो लीकेज पाइप से सीधा ड्रेनेज में चला जाएगा। तो इसका जो हॉल पैकिंग है ग्राउट से पैकिंग किया हूँ, हॉल पैकिंग जो है ग्राउट से पैकिंग करना है ताकि कभी भी लीकेज ना करे होल से। यहाँ पे पाइप का होल आप लोगों को कैसे पैकिंग करना है, पाइप का जो होल है नीचे से गोनी एक बांध देना है या थर्माकोल का पट्टी लगा देना है और ऊपर से ग्राउट डाल देने के ताकि होल पैकिंग हो जाए। जैसे कि यहाँ पे किचन का पाइप ऊपर से पीवीसी पाइप डाला हूँ, ये साइलेंसो पाइप नहीं है। ये साइलेंसो पाइप इसीलिए नहीं है, जो ये ऊपर से रहेगा, ये फ्लोरिंग के ऊपर से रहेगा तो नीचे आवाज नहीं जाएगा, पर ये वाला साइलेंसो पाइप है। जैसे कि ये वाला साइलेंट पाइप है, ऊपर से कुछ भी पानी, यहाँ से पानी नीचे जाता होगा तो नीचे आवाज नहीं आएगा, मतलब नीचे आवाज नहीं जाएगा। आप लोग वो समझ में आ गया होगा, चौकड़ी का है, ये वाला चौकड़ी का है जो वेस्ट वाटर है और ये वाला सोयल वाटर है, ये वाला अंदर बाथरूम में गया है तो बाथरूम में जो गया है ये यहाँ पे एक पीट्रैप लगा हुआ है और अंदर एक बाथरूम में पीट्रैप लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों चौकड़ी मतलब कपड़ा धोने वाला एरिया होता है और बर्तन थाली धोने वाला एरिया होता है, जहाँ पे बैठ के बर्तन थाली धो सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को इसका आउटसाइड में कैसे काम किया हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आइए इधर, ये देख सकते हो आउटसाइड में जो है साइलेंट पाइप का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, आउटसाइड में जो पीवीसी पाइप होता है उसका इस्तेमाल किया हूँ, साइलेंट पाइप सिर्फ यहाँ तक है। पर ये चौकड़ी का जो आवाज है यहाँ से सीलिंग होने वाला है, यहाँ से आउटसाइड में दोस्तों साइलेंस पाइप इसीलिए यूज नहीं किया हूं क्योंकि वो बिल्डिंग का बाहर है, साइलेंस पाइप का इस्तेमाल किया हूं लेकिन यहाँ पे नहीं किया हूं, यहाँ पे जो है ये पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया हूं। और आउटसाइड में जो ये देख सकते हो ये यूपीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया हूं, रेन वाटर के लिए भी जो पीवीसी पाइप इस्तेमाल करें इधर, मतलब कि इस साइड में साइलेंस पाइप का जरूरत नहीं है, ये जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। और यहाँ पे जो काम किया हूँ टोटली जेट क्लैंप और यूबोल्ट से काम किया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जेट क्लैंप है। हर जगह में सेम काम हुआ है और नीचे का भी दिखा देता हूँ और आउटसाइड में यहाँ पे देख सकते हो काम हो रहा है। चलो बाथरूम में आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे सामने से देख सकते हो संक कितना है, ये जो है टोटल तीन इंच का संक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो एरिया है ये वाला फ्लोर से 1.5 फीट जैसा ये यहाँ पे प्लास्टर नहीं करना है, नीचे तक प्लास्टर नहीं करना है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे होने वाला है वाटर प्रूफ। कभी भी टाइल से पानी नीचे जाएगा तो मतलब के फ्लोरिंग में से इसके नीचे फ्लोर में डैमेज नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे पानी टपकता नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ तक आप लोगों को छोड़ के रखना है। यहाँ पे होने वाला है वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफिंग का प्लास्टर आने वाला है। वाटर प्रूफिंग के लिए सिंपल क्या करना है आप लोगों को, तो साफ सफाई अच्छे से करना है, उसके बाद में ये जो हॉल है हॉल को अच्छे से पैकिंग कर देना है, ये जो कोर कटिंग हॉल है इसको अच्छे से पैकिंग करना है, ग्राउट देके ग्राउट से आप लोग पैकिंग कर रहे हो। ये जो पाइप है ना, ये पाइप
है गोली बांध देने का नीचे, इसके नीचे नीचे फ्लोर से गोली बांध देने का, और यहाँ पे से कोल कटिंग जो है, कोल कटिंग में ग्राउट डाल देने का, ग्राउट केमिकल होता है वो आपको डाल के पैकिंग कर देना है। उसके बाद में जितना भी पाइपलाइन अपना आता है सब इसमें होल करके, ड्रिल मशीन से होल करके कोल कटिंग होल करना है, और ये सब लीकेज पाइप हो, बेसिन का ड्रेनेज हो, सारा का सारा इसमें लाके डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये जो केमिकल है, केमिकल लगने के बाद में आपको बेसिन का ड्रेनेज और ये लीकेज पाइप, लीकेज पाइप और ये एसी का ड्रेनेज इसमें डाल देना है। उसके बाद में इसके ऊपर मतलब के केमिकल सीमेंट और रेती का मिक्सिंग करके लगाने से वाटर प्रूफिंग में क्रैक नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लीकेज पाइप पड़ गए, और यहाँ पे वेस्ट पाइप और ये वाला एसी का ड्रेन यहाँ पे जाके ये वेस्ट पाइप में जाके अंदर गिरा है, और यहाँ पे लगा देना है। जैसे ही मैं आप लोगों को लगा केमिकल सीमेंट और रेती मिक्स करके इसके ऊपर ईंट का टुकड़ा चिपका देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो ईंट के ऊपर ईंट जो चिपकाया था मैंने, उसके ऊपर आप लोगों को ऐसा फिनिशिंग कर देना है। ये जो है ये प्लास्टर का लेवल में ही फिनिशिंग करना है, ताकि टाइल लगते समय ना नट जाए। टाइल जो लगने वाला है, टाइल केमिकल से लगने वाला है, तो इसमें चिपक जाएगा टाइल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को जो लीकेज पाइप के बारे में बता रहा था, लीकेज पाइप में पूरा स्लोब है, वाटर प्रूफिंग का जो पूरा स्लोब है वहाँ पे लीकेज पाइप में है, मतलब कि टाइल का अपना लेवल कितना होगा। ये जो आप लोग देख रहे हो ये स्कर्टिंग का बीट है, इतना टाइल का लेवल होगा। तो अगर टाइल के नीचे कभी भी पानी जाएगा तो पूरा पानी लीकेज पाइप में जाएगा, लीकेज पाइप से सीधा वेस्टेज वाटर में चला जाएगा। टाइल के नीचे बाई चांस पानी जाता होगा तो नीचे जो डैमेज नहीं होगा, मतलब कि नीचे का ये सीलिंग में से पानी डैमेज नहीं होगा, और ये सीलिंग में से अगर पानी डैमेज होता होगा तो नीचे जो पीओपी लगा रहेगा वो खराब हो जाएगा और बाथरूम में गिर जाएगा। तो इसीलिए इतना सावधानी से काम करना पड़ता है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग में केमिकल लगता है, तो आप लोग वाटरप्रूफिंग का सजेशन ले सकते हो इंस्टाग्राम में आके आप लोग वाटरप्रूफिंग कैसे करना है, नहीं करना है, वो आप लोग सजेशन ले सकते हो। मैं आप लोगों को वाटरप्रूफिंग के बारे में पूरा फुल डिटेल दे दूंगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 फ्लोर है ये वाला, तो इसके ऊपर डायरेक्ट टेरेस है, तो यहाँ पे ऊपर और जो साइलेंसर पाइप जो है ऊपर और नहीं जाने वाला है, यहाँ तक एंडिंग होगा, इसके ऊपर सीधा एयर पाइप लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाओ कमेंट बॉक्स में। जो कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल में नया है तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं जैसी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन